और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं वायर टाइल्स लगा के दिखाने वाला हूं। तो हमारे पास एक सैंड लेवलिंग मशीन पड़ी है, जिससे कि हमने फ्लोरिंग के टाइल्स हम लोग लगाते हैं। तो हाल ही के दिनों में हमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। तो इसका रेट प्राइस वगैरह सब आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आप ये सैंड लेवलिंग मशीन खरीदना चाहते हैं। तो हम लोग इस दीवार पे आपको वायर टाइल लगाकर दिखाएंगे कि इस सैंड लेवलिंग मशीन का हमें कैसे उपयोग करना है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है, इसको कैसे चलाना है, टाइल्स हमें कैसे लगानी है। तो अकेला इसका ही नहीं यूज करने वाले, इसके लिए हम लोग एक और मशीन का यूज करने वाले हैं। ये जो आप देख सकते हैं, ये साथ में पड़ी हुई है। तो आपने पहले भी हमारी वीडियो में देखा था, लेकिन हमने उसमें टेस्ट नहीं दिखाया था। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसमें मसाला कैसे लगता है, इसमें मसाला जैसे डालेंगे तो टाइल्स को जैसे आगे आगे करते जाएंगे तो मसाला लगा लगाया टाइल के पीछे बाहर आएगा। तो इसका यूज करने वाले हैं, इसकी जैसे कि एडजस्टमेंट है, इसमें जैसे मर्जी लेवल सेट कर सकते हैं। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं आपको काम दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग काम करने वाले हैं। थोड़ी सी डिटेल और बता दूं, यहाँ पर हम लोग केमिकल का यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दीवारों का जो है वो सीमेंट जो है वो झड़ रहा है, जो प्लास्टर पहले हुआ है तो वो झड़ रहा है। उसके लिए हमने केमिकल जो है दीवार पे लगाया है। तो आप देख सकते हैं, ये MYK लेडी ग्रेड कंपनी का 315 प्लस ये वाला हम लोग केमिकल यूज कर रहे हैं। तो इससे हम लोग टाइल लगाएंगे। पहले हमने रॉफ कंपनी का T01 और T02 जो है उसका यूज करके दिखाया था। तो आज इससे हम लोग टाइल लगाकर दिखाएंगे, ये सैंड लेवलिंग मशीन कैसे चलानी है और दूसरी जो टाइल के ऊपर मसाला लगाती है वो कैसे यूज करना है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर कोई सवाल हो वीडियो के लिए, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, कोई भी मशीन मंगवाना चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो भी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा।
तो फ्रेंड्स देखा आपने, जैसा कि मैंने पहले सैंड लेवलिंग मशीन से इसका दीवार का लेवल किया है, क्योंकि दीवार जो है वो अप डाउन है कहीं कहीं से, जहां से प्लास्टर झड़ा हुआ था, तो इसको लेवल में जो है या तो प्लास्टर दोबारा करके किया करना पड़ना था, नहीं तो अगर हम लोग फट्टी से भी प्लास्टर बराबर करते हैं तो फिर भी जब गुरमाला उस पर फेरते हैं तो दिक्कत आ जाती है। लेकिन पुराने प्लास्टर पे चाहे ख़राब हो चाहे खड्डा उड्डा जैसे मर्जी हो, अगर सैंड लेवलिंग मशीन से 6 mm की लेयर आप दीवार पर चढ़ा देते हैं तो जो भी दीवार का जो भी डाउन एरिया है कहीं से ऊबड़ खाबड़ है तो ये लेवल में हो जाता है। और हम लोग जो इस मशीन का यूज़ कर रहे हैं, ये जो आप रेड कलर की देख रहे हैं, तो इस मशीन में हम लोग जो टाइल्स के ऊपर मसाला लगा रहे हैं, ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जो टाइल होती है, ये पूरी टाइल जो होती है ये सीधी नहीं होती, इसमें बेंड होता है हल्का सा, जैसे ये सेंटर वाला पॉइंट बाहर की तरफ होता है, तो यहाँ से जो है ये डाउन एरिया हो गया, कहीं किनारों से जो है ऊंचा नीचा एरिया है थोड़ा बहुत, टाइल में आपको पता ही कि बेंड होता है तो बीच में से टाइल खाली रह जाती है, उसका कारण ये है कि टाइल में जो है नीचे की तरफ से ये दबी होती है और बाहर की तरफ से ये ऊपर से उठी होती है। तो ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इस मशीन से जो है वो ब्लेड जो है ऊपर से लेवल इसका बराबर कर रहा है, ऊपर से पूरा बराबर कर देता है, यानी कि इस टाइल का भी पूरा लेवल जो है वो बराबर हो गया। और दीवार पे जो हमने दीवार पे टाइल्स लगाई हैं, दीवार पे हमने जो सैंड लेवलिंग मशीन से प्लास्टर किया था उसका भी लेवल जो है वो पूरा बराबर हो गया। तो इस तरीके से अगर हम लोग टाइल लगाते हैं सैंड लेवलिंग मशीन प्लस ये वॉल टाइल लगाने वाली मशीन, तो दोनों मशीनों के कम्बिनेशन से पूरी टाइल जो है वो अच्छे से फिक्स होगी और बहुत ही स्पीड से होगी और कहीं से भी किसी भी कोने से खाली नहीं रहेगी। जैसा कि आप इस तरफ देख सकते हैं कि वो जो मशीन हमने सेट की हुई है, जो अभी हमने दिखाया जो वॉल टाइल जिसपे अपने आप रेशे बन रहे हैं,
तो उसकी सेटिंग हमने 6 mm पे की हुई है। तो इसी प्रकार से 6 mm पे हमने सैंड लेवलिंग मशीन की सेटिंग की हुई है। तो जब हम लोग वॉल टाइल मशीन में से जो टाइल्स पे मसाला लगाते हैं, जब इस पे लगाते हैं तो 6 mm प्लस जो 6 mm इसका है लेयर, तो दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो दबाने के बाद ये 6 mm ही मसाले की लेयर बनती है, यानी कि 6 × 12 माइनस इसमें से जो खांचे हैं वो मार्जिन जो है वो 6 mm प्लस यानी कि वो माइनस हो जाता है, यानी कि 12 mm यानी कि 6 mm जो है वो सैंड लेवलिंग मशीन से मार्जिन लिया मसाले का, 6 mm जो है उसमें से लिया। जब दोनों मसाले जो हैं जब जुड़े हैं तो इनका दबाव होने से ये 6 mm ही रह गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से टाइल्स बिल्कुल भी खाली नहीं रहेगी और बहुत ही स्पीड होगी काम में, बड़ी तेज़ी से आप लोग काम कर सकते हैं। इसके लिए आप वो भी मशीन खरीद सकते हैं और सैंड लेवलिंग मशीन की परफॉर्मेंस तो आपने देखी ही है।